दिल्ली में कोरोना वायरस दिन पर दिन अपने कदम बढ़ाया जा रहा है और ये कहें तो पूरी दिल्ली में अब लगातार फैल रहा है। यही हाल पूरे देश में है। इसी को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल, कॉलेज, जिम और सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बंद कर दिया है। यह 31 मार्च तक अभी बंद कर दिया गया है और आप दिल्ली के अंदर 50 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर ऐसा करते हैं कोई तो उन पर सरकारी एक्शन भी हो सकता है। आप देखिए, ऐसे ही कीर्तन में हम लोग खड़े हैं जो अब पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं। यह नियम आज से ही लागू हुआ है और अब कहीं भी 50 लोगों से ज़्यादा अगर आप लोग खड़े होते हैं या इकट्ठे होते हैं तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही साथ दिल्ली में क्योंकि अभी शादियों का मौसम भी है और शादियाँ भी चल रही हैं, शादियों को भी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि अपनी शादियों को पोस्टपोन कर दें, उसको आगे बढ़ा दिए। इसी के साथ साथ मैरिज होम या जो भी सामुदायिक केंद्र हैं, इन लोगों ने भी अपनी सभी बुकिंग ऑलमोस्ट कैंसिल कर दी है और सभी को नई डेट देने के लिए बोल दिया है। उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है जिनके घर में शादियाँ हैं कि प्लीज़ अपनी डेट को आगे बढ़ाएं और नई डेट हमें बताएं ताकि हम आपको अपना स्पेस या मैरिज होम या सामुदायिक केंद्र आपको दे सकें। जो हालात दिल्ली में हैं, दिन पे दिन कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है। अभी तक 123 मामले दिल्ली में आ चुके हैं जिसमें 3 मौतें भी हो चुकी हैं। हालांकि काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं और भारत सरकार ने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर रखा है। जैसा और देशों में कोरोना वायरस अपने पैर फैला रहा है इतना भारत में नहीं है, जबकि चीन के बाद भारत सबसे बड़ा देश है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद भी इंडिया गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर रखा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ इतनी नहीं फैलेगी जितना और देशों में है। तो हमारे भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने ऐसे किसी भी प्रोग्राम को पोस्टपोन करें और किसी भी तरीके के ऐसे इकट्ठे होने की चीज़ों को या एक साथ 50 या उससे ज़्यादा लोगों की गैदरिंग ना ही करें। ये आपकी भी सेफ्टी है और गवर्नमेंट के भी ऑर्डर है। न्यूज़ भारत TV, भजनपुरा।